तू 500 अभी दे, ये सारे पट जाए। फोन काटिए, फोन काट ले तू, पुलिस बुला। ये करती सीएम को फोन, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, जब खुले पैसे नहीं है आपको पीछे लिख के दे रखा। तेरे जैसे बहुत सीधे किए, मैं डरती नहीं, पैसे तो तेरा बाप भी देगा। मैं सीएम को फोन करती हूँ, सीआईडी को बुलाती हूँ, पूरा मामला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। मेरी बात सुनो, जब खुले पैसे नहीं है आपको पीछे लिख के दे रखे। भाई कपड़े भाई, यह सवारी बैठी है सारी। भाई मेरा गलती है, मैंने टिकट के पीछे नहीं देखा। सारे पकड़ ले तू, मैं क्या करूँगा। मेरे पास खुले पैसे नहीं है, ठीक है। आपने ये क्यों बोला है कि तेरा बाप देगा पैसे? फिर और कौन देगा? ठीक है, कोई बात नहीं। ये वीडियो अम्बाला की है, जहां चलती रोडवेज बस में युवती ने जमकर हंगामा किया और बस में कंडक्टर से बकाए के लिए भिड़ गई। उसने 15 रुपए की टिकट के लिए कंडक्टर को 500 रुपए का नोट दिया था। कंडक्टर के पास खुले पैसे नहीं थे, तो इसीलिए उसने टिकट के पीछे बकाया लिख दिया और बाकी सवारियों की टिकट काटने लगा। ऐसे में बस कंडक्टर ने बकाया थोड़ी देर बाद देने की बात कही तो युवती तैश में आ गई और कंडक्टर के हाथों से जबरदस्ती अपना 500 का नोट छीनने लगी, जिससे कंडक्टर के हाथ में पकड़े हुए नोट फट गए और ई टिकटिंग मशीन भी तोड़ डाली। इस दौरान युवती ने कहा कि तेरे जैसे पता नहीं कितने सीधे किए हैं, डरते नहीं हैं हम, चल चल, मैं करती हूं सीएम को फोन, मैं करती हूं भाई को कॉल, सीआईडी को। इस पूरी घटना की वीडियो बस में सवार सवारियों ने बना ली, जिसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस घटना के विरोध में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कंडक्टर राजू शर्मा ने बताया कि सोमवार को यूनियन के पदाधिकारी शहजादपुर पुलिस थाने पहुंचकर आगामी कदम उठाएंगे। कंडक्टर ने जीएम को लड़की के खिलाफ शिकायत भी सौंपी है। ये भी बता दें कि घटना 4 अप्रैल की है। नारायणगढ़ डिपो की बस शहजादपुर से नारायणगढ़ जा रही थी और इसी बस में युवती सवार हुई थी। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।